नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कैनन का प्रिंटर है और कैनन इमेज क्लास 3010 प्रिंटर है। और इस प्रिंटर को आज कैसे इंस्टॉल करेंगे सारी चीज़ हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले। तो देखिए, सबसे पहले जो करना होगा, इसका जो पावर कनेक्शन यानी पावर कॉर्ड एंड यूएसबी कनेक्टर, ये दो जो केबल इस बॉक्स के साथ आता है, ये दोनों को जो है कि कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले देखिए, ये जो है अभी पावर कनेक्टर कनेक्ट किया, उससे पहले जो है कि यूएसबी कनेक्टर को कनेक्ट किए थे। और जस्ट इसका ये जो दूसरे छोर है, इसको अपना कंप्यूटर के बैक साइड पे कनेक्ट कर देना होगा। ओके, अगर आपका लैपटॉप के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जस्ट लैपटॉप में जो है कि इंस्टॉल कर देना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कनेक्ट कर, तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, यहाँ पे जस्ट प्रिंटर को अभी एक बार ऑन करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ केबल वेबल कनेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ऑन करते हैं। ऑन होने के बाद जो है कि प्रिंटर यहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देखिए स्टेबल हो जाएगा, और नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग आगे अभी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मेरा जो है कि प्रिंटर मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी कि अभी ये प्रिंटर से हम जो है कि अभी जेरॉक्स भी कर सकते, यानी कि फोटो कॉपी भी निकाल सकते हैं। और इसको अभी अपना कंप्यूटर से कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए भी अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर में आप लोग को हम ये चीज़ दिखाने वाले हैं। तो कितना आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इसी प्रिंटर से जो है कि फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, ये स्कैन भी कर सकते हैं, और स्कैन 1x1 स्कैन भी कर सकते हैं, यानी कि एक पेज में जो पीडीएफ वाला जो होता है ना, एक के बाद और एक स्कैन, इसी प्रिंटर मतलब इस प्रिंटर में भी ये चीज़ भी कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ जो कि गूगल क्रोम ओपन किए, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ जो आपका प्रिंटर का मॉडल है वो यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि कैनन MF3010 प्रिंटर है मेरा, तो इसको जो है कि अभी यहाँ पे 310 लिख दिए थे, 3010 ड्राइवर। तो जस्ट ड्राइवर लिखने के बाद यहाँ सर्च करना होगा, और देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट को जस्ट क्लिक करना होगा। और जो है कि इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे चलिए नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे जो डाउनलोड दिख रहा है इमेज क्लास इस मॉडल का, तो इसको जस्ट यहाँ पे आई हैव एग्री ऑलरेडी है, तो इसको जस्ट डाउनलोड कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अगर आपका इसका स्कैन टूल कैसे डाउनलोड होगा, जो स्कैन गियर का जो टूल होता है जिसके थ्रू से हम लोग जो है कि इसका स्कैन करते हैं 1x1, उसके लिए भी जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो आई बटन में लिंक दे देंगे, उसको जो है कि डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो देख के वो वाला भी कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे हम जो कि दिखाने वाले हैं स्कैनर का एंड प्रिंटर का ड्राइवर को जो है कि डाउनलोड करके आप लोग को यहाँ पे दिखा। उससे पहले देखिए, डिवाइस एंड प्रिंटर जो आपका है वहाँ पे हम लोग को जाना होगा डिवाइस एंड मैनेजर में। तो कैसे गए, कंप्यूटर माई कंप्यूटर राइट क्लिक करके, चूँकि मैनेज पर जाने के बाद यहाँ देखिए डिवाइस मैनेजर देख रहा है, प्रिंटर शो हो रहा, बट यहाँ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं शो हो रहा। तो अभी जस्ट हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर डाउन जो कि डाउनलोड हो चुका है, उसको जस्ट क्लिक ओपन करके जो कि इसको रन करते हैं। या जैसे रन करेंगे, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, जस्ट नेक्स्ट करना होगा, और यहाँ पे येस करना होगा। जैसे यहाँ पे येस करेंगे, और यहाँ पे जो कि थोड़ा सा यहाँ पे दिस प्रोसेस में टेक वाइल प्लीज पॉइंट, तो थोड़ा सा मतलब देखिए यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया, और यहाँ पे जस्ट एग्जिट कर देना होगा। और यही जो दिख रहा है फ्रेंड्स, कैनन लेजर एक्सटेंसिव प्रोग्राम, ये एक्सेप्ट कर दीजिएगा, और जो कि या तो आप डोंट एक्सेप्ट करके भी यहाँ से जो कि निकल, सर्वे के लिए है कैनन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटेड। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाता है। चलिए डिवाइस मैनेजर पर एक बार जो कि चेक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर पे जो ड्राइवर शो होता है, यहाँ पे देखिए जो उस टाइम येलो कलर दिख रहा था, यहाँ पे ड्राइवर अभी मतलब येलो नहीं दिख रहे, यानी कि ड्राइवर अभी यहाँ पे इंस्टॉल शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे देखिए जो था वहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को जो करना है फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए, हाँ, डिवाइस एंड प्रिंटर में गए, डिवाइस एंड प्रिंटर पर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए आपका कैनन MF3010 प्रिंटर यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लाइन में प्रिंटर एंड फैक्स में आपका कैनन MF3010
3010 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको जस्ट राइट क्लिक करके जो है कि प्रिंटर का प्रॉपर्टीज में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर का प्रॉपर्टीज में गए, जाने के बाद देख टेस्ट पेज प्रिंट मार के देखते हो। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट पेज जिसे प्रिंट मारे हैं, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या आता है। देखिए यहाँ पे बीजे आ रहा प्रिंटर, इसका मतलब जो कि प्रिंटर सा भी प्रिंट होके निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से जो कि प्रिंटर का जो कि ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया। ओके अब नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ टेस्ट पेज भी प्रिंट होके निकल के आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोसेस है स्कैनर का, स्कैनर का ड्राइवर को कैसे डालेंगे और स्कैन करके भी आप लोग को जो है कि हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट एंड सब्सक्राइब जो है हमें जो कि वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मतलब ये बनाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ मिले रहे और कॉन्टैक्ट में रहे, ताकि हम भी एक नया नया कमेंट मिलने से जो है कि कोशिश करते हैं नया नया वीडियो लाने के लिए आप लोग के लिए। तो चलिए अब इसके स्कैनर का ड्राइव कैनन MF3010 स्कैनर जो है कि यहाँ पे सर्च करना होगा स्कैनर टूल बॉक्स डाउनलोड। ओके तो जस्ट स्कैनर टूल बॉक्स यहाँ पर डाउनलोड करके जो कि इसको क्लिक किए, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। देख लीजिएगा आपको जितना बीट का है, लेकिन यहाँ पे जो कि दोनों ही बीट में काम करेगा ये वाला टूल बॉक्स। ये ध्यान रखिएगा अगर आपका PDF में 1x1 स्कीम मतलब स्कैन करना है तो ये टूल्स होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही अच्छा टूल्स है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कैनन का प्रिंटर है और स्कैनर प्रिंटर है आपके पास, तो आप देखिए इसको जस्ट डाउनलोड करने को डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके जो है कि यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर देंगे और ये जैसे हो जाएगा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जिट हो जाता फ्रेंड्स आप देखिए कितना आसानी से जो कि आप कर सकते हैं और बहुत आसान फ्रेंड। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, योर डिवाइस इज रेडी, दो दिख रही है, एक स्कैनर के लिए होता है और एक जो है कि प्रिंटर के लिए। और देखिए अभी कोई चीज़ यहाँ पे डाल के जो है कि हम लोग देख सकते हैं या स्कैन करके अभी चले यहाँ पे देखिए कुछ अंदर में डाला हुआ ऑलरेडी है, और जो कि हम लोग इसको देखिए इस टूल बॉक्स को देखिए MF टूल बॉक्स को ओपन किए, ओपन करने को देखिए PDF यहाँ पे दिख रहा है, आप PDF भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे PDF करिएगा यहाँ देखिए स्कैन का स्टार्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा। आप जितना DPI में रखना रख सकते हैं, जो कलर करना है ब्लैक एंड वाइट का, लेटर साइज करना है, जो भी साइज करना है, जो भी सेटिंग से, ये सब तो आप लोग को पता ही है क्योंकि इसी के लिए आप लोग जो है कि प्रिंटर रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए वन पेज हो गया। सेकेंड अगर हम यहाँ नेक्स्ट कर देंगे यानी कि दूसरा पेज डाल के फिर नेक्स्ट करेंगे तो उस पेज के नीचे और एक पेज यहाँ पर जो है कि कनेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसानी से जो है कि कर पाएंगे, देखिए ये जो है जैसे मान के चलिए आपको बहुत सारे पेज को एक साथ करना है तो कितना, देखिए यहाँ फिनिश कर देंगे तो यहाँ मेरा जो कि दो पेज हो गया। देखिए इसको पेज को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते, देखिए एक साथ मेरा दो पेज जो कि हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।